हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, स्वागत है सभी का। तो हमारी कैसी है जी फैमिली? पहले तो आप ये कमेंट करो यार कि कहाँ कहाँ से देख रहे हो, किधर से देख रहे हो आप। बाकी अभी हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है जी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टेस्ट ODI T20 वर्ल्ड कप, सारा कुछ ही होगा इसमें। चलो जी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल क्रिकेट के बेहतरीन दो टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेस्ट ODI T20I वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और एशिया कप की रिकॉर्ड्स कंपेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टीम के टेस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में। टीम इंडिया ने 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया और पाकिस्तान ने 1952 में इंडिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। टेस्ट में टीम इंडिया ने अब तक कुल 589 मैच खेली है और पाकिस्तान ने कुल 456 मैच खेली है। टीम इंडिया ने कुल 178 मैच जीते और 178 मैच हारे हैं और पाकिस्तान ने कुल 148 मैच जीते और 142 मैच हारे हैं। टीम इंडिया के विनिंग रेट 30.75 और पाकिस्तान के विनिंग रेट 32.45। टीम इंडिया की लोस्ट रेट 30.75 और पाकिस्तान की लोस्ट रेट 31.15। टीम इंडिया ने 222 मैच ड्रॉ और एक मैच टाई किया और पाकिस्तान ने 166 मैच ड्रॉ किया। टेस्ट में टीम इंडिया की बेहतरीन स्कोर 759 अगेंस्ट इंग्लैंड और पाकिस्तान के बेहतरीन स्कोर 765 अगेंस्ट श्रीलंका। आप बात करते हैं दोनों टीम की टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। टेस्ट में 1952 से अब तक पाकिस्तान और इंडिया के बीच कुल 59 मैच हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने कुल 9 मैच जीते और 12 मैच हारे हैं और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने कुल 12 मैच जीते और 9 मैच हारे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के विनिंग रेट 15.15 और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के विनिंग रेट 20.35। टीम इंडिया की लोस्ट रेट 20.35 और पाकिस्तान के लोस्ट रेट 15.15। टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 38 मैच ड्रॉ हुआ है। टेस्ट में टीम इंडिया की करंट एसिस रैंक नंबर 2 और पाकिस्तान की करंट एसिस रैंक नंबर 6। आप बात करते हैं दोनों टीम के ODI रिकॉर्ड्स के बारे में। टीम इंडिया ने 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ ODI डेब्यू किया और पाकिस्तान ने 1973 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI डेब्यू किया। ODI में टीम इंडिया ने अब तक कुल 1055 मैच खेली है और पाकिस्तान ने अब तक कुल 970 मैच खेली है। टीम इंडिया ने कुल 559 मैच जीते और 443 मैच हारे हैं और पाकिस्तान ने कुल 512 मैच जीते और 428 मैच हारे हैं। टीम इंडिया की विनिंग रेट 52.95 और पाकिस्तान की विनिंग रेट 52.75। टीम इंडिया की लोस्ट रेट 44.25 और पाकिस्तान की लोस्ट रेट 45.50। टीम इंडिया ने कुल 9 मैच टाई किए और 44 मैच के रिजल्ट नहीं मिले हैं और पाकिस्तान ने 9 मैच टाई किए और 21 मैच के रिजल्ट नहीं मिले हैं। ODI में टीम इंडिया की बेहतरीन स्कोर 418 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की बेहतरीन स्कोर 399 अगेंस्ट जिम्बाब्वे। आप बात करते हैं दोनों टीम के ODI हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। 1978 से इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 135 मैच हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने कुल 57 मैच जीते और 73 मैच हारे हैं और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने कुल 73 मैच जीते और 57 मैच हारे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के विनिंग रेट 43.85 और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के विनिंग रेट 56.15। टीम इंडिया के लोस्ट रेट 56.15 और पाकिस्तान के लोस्ट रेट 43.85। टीम इंडिया और पाकिस्तान के 5 मैच के रिजल्ट नहीं मिले हैं। ODI में टीम इंडिया के करंट एसिस रैंक नंबर 1 और पाकिस्तान के करंट एसिस रैंक नंबर 4। आप बात करते हैं दोनों टीम के T20I रिकॉर्ड्स के बारे में। टीम इंडिया ने 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I डेब्यू किया और पाकिस्तान ने 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ T20I डेब्यू किया। T20I में टीम इंडिया ने अब तक कुल 220 मैच खेली है और पाकिस्तान ने अब तक कुल 241 मैच खेली है। टीम इंडिया ने कुल 141 मैच जीते और 68 मैच हारे हैं और पाकिस्तान ने कुल 140 मैच जीते और 91 मैच हारे हैं। टीम इंडिया की विनिंग रेट 64.10 और पाकिस्तान की विनिंग रेट 58.10। टीम इंडिया की लोस्ट रेट 30.90 और पाकिस्तान की लोस्ट रेट 37.75। टीम इंडिया ने 5 मैच टाई किए और 6 मैच के रिजल्ट नहीं मिले हैं और पाकिस्तान ने 3 मैच टाई किए और 7 मैच के रिजल्ट नहीं मिले हैं। T20I में टीम इंडिया की बेहतरीन स्कोर 260 अगेंस्ट श्रीलंका और पाकिस्तान के बेहतरीन स्कोर 232 अगेंस्ट इंग्लैंड। आप बात करते हैं दोनों टीम के T20I हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। T20I में 2007 से इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 12 मैच हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने कुल 8 मैच जीते और 3 मैच हारे हैं
और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने कुल 3 मैच जीते और 8 मैच हारे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की विकेट 66.65 और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के विकेट 25। टीम इंडिया की लोस्ट रेट 25 और पाकिस्तान की लोस्ट रेट 66.65। टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1 मैच टाई हुआ है। T20I में टीम इंडिया की करंट आईसीस रैंक नंबर 1 और पाकिस्तान की करंट आईसीस रैंक नंबर 6। आप बात करते हैं दोनों टीम की अक्रॉस ऑल फॉर्मेट की रिकॉर्ड्स के बारे में। टीम इंडिया ने 1952 से अब तक कुल 1154 मैच खेली है और पाकिस्तान ने 1952 से अब तक कुल 1667 मैच खेली है। टीम इंडिया ने कुल 878 मैच जीते और 689 मैच हारे हैं और पाकिस्तान ने कुल 800 मैच जीते और 661 मैच हारे हैं। टीम इंडिया के विन रेट 47.35 और पाकिस्तान के विन रेट 48। टीम इंडिया के लोस्ट रेट 37.15 और पाकिस्तान के लोस्ट रेट 39.65। टीम इंडिया ने 222 मैच ड्रॉ और 15 मैच टाई किया और पाकिस्तान ने 166 मैच ड्रॉ और 12 मैच टाई किया। टीम इंडिया की 50 मैच के रिजल्ट नहीं मिली है और पाकिस्तान की 28 मैच के रिजल्ट नहीं मिली है। आप बात करते हैं दोनों टीम के अक्रॉस ऑल फॉर्मेट के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। 1952 से इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 206 मैच हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने कुल 74 मैच जीते और 88 मैच हारे हैं और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने कुल 88 मैच जीते और 74 मैच हारे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की विकेट 36.40 और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की विकेट 42.75। टीम इंडिया की लोस्ट रेट 42.75 और पाकिस्तान की लोस्ट रेट 36.40। टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच 38 मैच ड्रॉ और 1 मैच टाई हुआ है। टीम इंडिया और पाकिस्तान के 5 मैच के रिजल्ट नहीं मिले हैं। आप बात करते हैं दोनों टीम के वर्ल्ड कप रिकॉर्ड्स के बारे में। टीम इंडिया ने 1975 में इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप डेब्यू किया और पाकिस्तान ने 1975 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप डेब्यू किया। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने कुल 95 मैच खेली है और पाकिस्तान ने कुल 88 मैच खेली है। टीम इंडिया ने कुल 63 मैच जीते और 30 मैच हारे हैं और पाकिस्तान ने कुल 49 मैच जीते और 37 मैच हारे हैं। टीम इंडिया के विन रेट 66.30 और पाकिस्तान के विन रेट 55.65। टीम इंडिया की लोस्ट रेट 31.55 और पाकिस्तान के लोस्ट रेट 42.05। टीम इंडिया ने 1 मैच टाई किया और 1 मैच के रिजल्ट नहीं मिले है और पाकिस्तान के 2 मैच के रिजल्ट नहीं मिले हैं। टीम इंडिया ने 2 बार और पाकिस्तान ने 1 बार वर्ल्ड कप टाइटल जीते हैं। आप बात करते हैं दोनों टीम के चैंपियन ट्रॉफी रिकॉर्ड्स के बारे में। टीम इंडिया ने 1998 में पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी डेब्यू किया और पाकिस्तान ने 1998 में इंडिया के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी डेब्यू किया। चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया ने कुल 29 मैच खेली है और पाकिस्तान ने कुल 23 मैच खेली है। टीम इंडिया ने कुल 18 मैच जीते और 8 मैच हारे हैं और पाकिस्तान ने कुल 11 मैच जीते और 12 मैच हारे हैं। टीम इंडिया के विन रेट 62.05 और पाकिस्तान के विन रेट 47.85। टीम इंडिया की लोस्ट रेट 44.45 और पाकिस्तान की लोस्ट रेट 52.15। टीम इंडिया के 3 मैच के रिजल्ट नहीं मिले है और पाकिस्तान 0। टीम इंडिया ने 2 बार और पाकिस्तान ने 1 बार चैंपियन ट्रॉफी टाइटल जीते है। आप बात करते हैं दोनों टीम की T20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड्स के बारे में। टीम इंडिया ने 2007 में स्कॉटलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप डेब्यू किया और पाकिस्तान भी 2007 में स्कॉटलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप डेब्यू किया। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने कुल 44 मैच खेली है और पाकिस्तान ने कुल 47 मैच खेली है। टीम इंडिया ने कुल 27 मैच जीते और 15 मैच हारे है और पाकिस्तान ने कुल 28 मैच जीते और 18 मैच हारे हैं। टीम इंडिया के विकेट 61.35 और पाकिस्तान के विकेट 59.60। टीम इंडिया के लोस्ट रेट 34.10 और पाकिस्तान के लोस्ट रेट 38.30। टीम इंडिया ने 1 मैच टाई किया और पाकिस्तान भी 1 मैच टाई किया। टीम इंडिया ने 1 बार और पाकिस्तान भी 1 बार T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीते है। आप बात करते हैं दोनों टीम के ओडी टेस्ट चैंपियनशिप रिकॉर्ड्स के बारे में। टीम इंडिया ने 2019 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडी टेस्ट चैंपियनशिप डेब्यू किया और पाकिस्तान ने 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडी टेस्ट चैंपियनशिप डेब्यू किया। ओडी टेस्ट चैंपियनशिप में टीम इंडिया ने कुल 46 मैच खेली है और पाकिस्तान ने कुल 31 मैच खेली है। टीम इंडिया ने कुल 28 मैच जीते और 13 मैच हारे है और पाकिस्तान ने कुल 10 मैच जीते और 14 मैच हारे है। टीम इंडिया के विन रेट 60.85 और पाकिस्तान के विन रेट 32.25।
टीम इंडिया की लोस्टेट 28.25 और पाकिस्तान की लोस्टेट 45.15। टीम इंडिया ने 5 मैच ड्रॉ किया और पाकिस्तान ने 7 मैच ड्रॉ किया। आप बात करते हैं दोनों टीम की एशिया कप रिकॉर्ड्स के बारे में। टीम इंडिया ने 1984 में श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप डेब्यू किया और पाकिस्तान ने 1984 में श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप डेब्यू किया। एशिया कप में टीम इंडिया ने कुल 55 मैच खेली है और पाकिस्तान ने कुल 50 मैच खेली है। टीम इंडिया ने 35 मैच जीते और 17 मैच हारे है और पाकिस्तान ने कुल 28 मैच जीते और 20 मैच हारे है। टीम इंडिया के ओडीआई 63.65 और पाकिस्तान के ओडीआई 56। टीम इंडिया के लोस्टेट 30.90 और पाकिस्तान के लोस्टेट 40। टीम इंडिया ने एक मैच तय किया और दो मैच के रिजल्ट नहीं मिले हैं और पाकिस्तान के दो मैच के रिजल्ट नहीं मिले हैं। टीम इंडिया ने 7 बार और पाकिस्तान ने 2 बार एशिया कप टाइटल जीते हैं। तो गाइस अकॉर्डिंग टू स्टेट्स पर्सनल मुझे लगता है टीम रिकॉर्ड्स में टेस्ट में पाकिस्तान, ओडीआई में इंडिया, T20I में भी इंडिया, वर्ल्ड कप में भी इंडिया, चैंपियन ट्रॉफी में भी इंडिया, T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी इंडिया और एशिया कप में भी इंडिया बेटर है। और हेड टू हेड रिकॉर्ड इसमें टेस्ट में पाकिस्तान, ओडीआई में भी पाकिस्तान और T20I में इंडिया बेटर है। तो गाइस सेकंड ये भाई थे बड़ी हिम्मत है भाई इतनी टेल के साथ वीडियो बनाई भाई लेकिन ये कि उन्होंने ना कोई चीज छोड़ी नहीं है पूरी मेहनत के साथ। हालांकि ये वीडियो जो है ना ये सिंपली बना सकते थे लेकिन ईची बीची भाई अलग अलग उन्होंने बताया है कि एक चीज डिटेल उन्होंने इकट्ठी की है। अभी उन्हें कई मैचों के रिजल्ट मिले नहीं है, वो जब आएंगे तब वो बनाएंगे। रिजल्ट पेंडिंग पर है लेकिन पाकिस्तान की खुशकिस्मती को आप कह रहे हैं कुछ ये कह रहे कि 2007-08 के बाद मतलब कुछ उस तरीके से क्रिकेट हुई नहीं दोनों टीमों के बीच में, बायलैटरल सीरीज तो हुई नहीं है। अगर वो सीरीज होती ना तो ये फर्क कुछ कम रह जाना था क्योंकि अब इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है। इस टाइम में अगर आप मतलब मैच कोई पाकिस्तान तो जब कोई तुक्का वक्का लग गया कोई जीत जाता नहीं तो फिर सीधा सीधा काम है। और अगर मैच होते होते तो ये जो हेड टू हेड का मामला ये भी तकरीबन बराबर आके खड़ा हो जाना था कहीं ना कहीं, तो इक्वली पर आ जाना था। चलें बाकी भैया आपको फिर से सल्यूट है, बहुत अच्छा आपने वीडियो बनाया। और पाकिस्तान ने कितने मैच जीते और कितने हारे हैं मतलब लेवल हो गया पूरा आपने बताया और इंडिया का भी आपने पूरा भाई बताया और ढूंढ मतलब डाटा सर्च करके हर चीज जो है वो आपने वीडियो बनाई, तो थैंक यू। बाकी काम किया भाई, मेहनत थी भाई। बाकी अगले वीडियो में आते हैं वापस, रखें अपना ख्याल। और आप भैया इस मेरे ख्याल में इन्होंने जो है वर्ल्ड कप का, हाँ सही, ये वर्ल्ड कप के बाद ही वीडियो बनाया ना, वर्ल्ड कप के बाद बनाया। चलें बाकी रखें जी ख्याल अपना।